हेलो फ्रेंड्स, आई एम सचिन आना फ्रॉम ओशन इंटरनेशनल। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब आप अच्छे होंगे। मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि सर कनाडा के वर्क वीज़ा के बारे में, न्यूजीलैंड के वर्क वीज़ा के बारे में, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, यूके के वर्क वीज़ा के बारे में आप वीडियो बनाइए। तो मैंने पहले भी वीडियोस बनाई हैं, तो उन पे इतने कमेंट्स आते हैं कि मैं सब कमेंट्स का जो है जवाब नहीं दे पाता हूँ। आज मैं आपको बताऊँगा कि कनाडा का वर्क वीज़ा होता है नहीं होता है। उससे पहले आपकी जो स्क्रीन पे अभी जो किसी ने एड्स डाली थी फेसबुक पे, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मैं देखता हूँ तो वहाँ पे कनाडा, अमेरिका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इसके वर्क परमिट्स की भरमार है। तो मैंने कुछ ऐसे ही सैंपल्स जो है वहाँ से उठाए हैं और उनके बारे में आपको मैं बताऊँगा कि हाँ, ये हैं या नहीं हैं। तो आपके जो इस टाइम स्क्रीन पर चल रहा है, अभी देखिए, वॉन्टेड इन कैनेडा पोजीशन कैशियर, क्लीनर, सिक्योरिटी गार्ड, स्टोर कीपर, और काम सिर्फ 6 घंटे, फुल फ्री ऑफ कॉस्ट, 30 दिन के अंदर वीज़ा। सैलरी इसमें आपको पता है 2,200-2,500 सैलरी बताई गई है। अब मैं आपको चीज़ बताता हूँ, ये जो ऑप्शंस दिए जाते हैं ये बिल्कुल इजी और ऐसे ऑप्शन दिए जाते हैं लुभाने के लिए। इसके बाद है कनाडा पिकर्स एंड पैकर्स, सिर्फ सिंपल वर्क, पैकिंग का वर्क मिलेगा वहाँ पे, ठीक है। तो इसमें भी 2100 सैलरी है पर मंथ। कनाडा सेल्समैन, स्टोर कीपर, ऑडिटर, ऑफिस बॉय, ड्राइवर, क्लीनर, जो भी इजी कैटेगरीज होती है, मींस जिसमें हर कोई पर्सन जो है वो सेट हो सकता है। लाइक अगर कोई 10th पास है वो भी जा सकता है, 8th पास है वो भी जा सकता है, कोई भी एप्लीकेंट जा सकता है। उसके हिसाब से जो है इन्होंने वैकेंसीज बनाई होती हैं। अब कनाडा पैकिंग स्टाफ और एड्स आप देखेंगे, फ़ोटो ऐसे डाले होते हैं कि आप देखोगे नहीं, काम बहुत अच्छा है और सैलरी जो है 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख जो है वो सैलरी है और सब कुछ फ्री हो रहा है। तो क्या ये होता है? एयरपोर्ट्स पे भी आपने देखा होगा, एयरपोर्ट्स की ट्रॉली बॉय, एयरपोर्ट क्लीनर्स, ठीक है, ड्राइवर्स, फिश कटर्स, इस टाइप की कैटेगरीज भी आती हैं। तो ये क्या इतना ईजी है? अगर इतना ईजी है तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, आप लोग क्या कर रहे हैं, या फिर ऑल ओवर इंडिया में इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं? तो हमें तो जाना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए। मैक्सिमम एप्लीकेंट जो है इसी ट्रैप में फंस जाते हैं क्योंकि वो उनको ऐसी सुहावने सपने दिखाए जाते हैं अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में होने की वजह से, वो इन बातों पर ट्रस्ट बहुत जल्दी कर लेते हैं। अब आप देखिए, जहाँ कोई एप्लीकेंट यहाँ पे 5,000, 10,000, 15,000 की जॉब कर रहा है, 20,000 की जॉब कर रहा है, जब उसको 2 लाख, 2.5 लाख, 1.5 लाख कनाडा में फ्री ऑफ कॉस्ट का ऑप्शन मिलेगा या थोड़े बहुत पैसे दे के जो है जाने का ऑप्शन मिलेगा, तो हर कोई सोचता है ठीक है, मैं इतना पैसा अरेंज करके मैं चला जाता हूँ। बट ये इतना ईजी नहीं है। अब देखिए, इसके अलावा कनाडा का स्वीपर फॉर स्ट्रीट, स्टोर कीपर, हाउस कीपर, जनरल लेबर, फार्म वर्कर्स, ये सारे इजी जॉब्स हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये सारी की सारी जॉब्स किसी ना किसी तरह से आपको मूर्ख बनाने के लिए है, ठीक है, आपकी हार्ड अर्न मनी लेने के लिए है। तरीके अलग अलग बेशक हो सकते हैं बट इनका मोटिव एक ही है, सिर्फ और सिर्फ आपसे पैसा किसी ना किसी तरह से लेना। सबसे पहले न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट हो गया, न्यूज़पेपर में जो आ रहा है मैं रोज़ देखता हूँ, कनाडा, अमेरिका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया का वर्क परमिट, यूरोप का वर्क परमिट हो रहा है, सैलरी में से पैसे कटवाएं, कोई पैसा यहाँ पे नहीं लगेगा, सिर्फ मेडिकल करवाओ, मेडिकल जो है वो चंडीगढ़ में होगा या कहीं भी हो जाएगा। तो दोस्तों, ये चीज़ें नहीं होती हैं। मैं पहले भी इसके ऊपर वीडियोज़ बना चुका हूँ, पर बार बार वीडियो बनाने का मकसद यही होता है कि नए से नए जो लोग जुड़ते हैं उनको इस चीज़ की अपडेट्स मिलती रहे। और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, जिस भी एप्लीकेंट के साथ कोई भी टाइप का, किसी भी टाइप का फ्रॉड होता हो तो उसके लिए मैं एक ईमेल आईडी दे रहा हूँ। हमारी ईमेल आईडी है ocean ocean visa@gmail.com। इस पे आप अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हो, आप प्रूफ के साथ कि आपको कोई एजेंट ने फ्रॉड किया है, आपने उसको क्या पैसे दिए हैं और आपने उसने आपको कोई ऑफर लेटर दिया है या फेक वीज़ा दिया है, कुछ भी दिया है, किसी भी टाइप का अगर फ्रॉड आपके साथ होता है आप मुझे भेजिए। वो स्टोरी जो है मैं YouTube पे लोगों के लिए डालूंगा जिससे कि आप लोगों का भला करोगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है लोग जिनके साथ फ्रॉड हो चुका है और बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो कि इस ट्रैप में फंस सकते हैं, तो उनको बचाने के लिए जो है हमें मिलजुल के जो है काम करना पड़ेगा।
आप हमें मुझे भेजिए, मैं उसकी स्टोरी को जो है वो सारा प्रूफ्स के साथ यहाँ पे दिखाऊंगा, ताकि फ्यूचर में ऐसा कोई फ्रॉड किसी और के साथ ना हो सके। तो दोस्तों ये आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपके पास ईमेल आईडी मैंने फिर से दे दी है, ठीक है, oceanvisa@gmail.com। तो दोस्तों इस टाइप के जो होते हैं वीज़ा जो ऑप्शन आपको देते हैं वो सब के सब फ्रॉड और किसी ना किसी तरह से पैसे लेने के लिए। कोई कहता है सैलरी में से पैसे कटवा देंगे, सैलरी में से पैसे कटवाने का कोई ऑप्शन नहीं होता। कोई कहता है फ्री वीज़ा, फ्री वीज़ा में क्या होता है कि जैसे फेसबुक पे एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं या अपनी वेबसाइट बना के दे रहे हैं, तो वो हो सकता है आपसे पैसे लें, हो सकता है ना लें, हो सकता है कंसल्टेंसी चार्जेस के नाम पर ले लें, रजिस्ट्रेशन के नाम पर ले लें, मेडिकल के नाम पर ले लें, या फिर हो सकता है कुछ भी ना लें। बट कुछ भी ना लें उसके भी एक क्लॉज है, उन्होंने वेबसाइट्स बनाई होती हैं, वो वेबसाइट पे जो है आप अपना रजिस्टर करते हो, डाटा आपका उनके पास शेयर हो जाता है और वो जो है उनके वेबसाइट पे ट्रैफिक आना शुरू हो जाता है। तो गूगल एडसेंस हो गया, माइक्रोसॉफ्ट जो है वो एड्स देता है, उसके थ्रू जो है वो पैसा कमाना शुरू कर देते हैं। वो एक तरह से आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो ये जो कंट्रीज़ हैं इनका इतना ईजिली वर्क परमिट नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ जो है डायरेक्टली पीआर हो सकती है, जो कि उसके प्रोजेक्ट्स होते हैं अलग अलग, जैसे पीएनपी प्रोग्राम हो गया, उसमें स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट निकलती है, उसमें पॉइंट बेस्ड सिस्टम होता है, पॉइंट बेस्ड सिस्टम होगा उसमें आपकी एज के पॉइंट अलग होंगे, एजुकेशन के अलग होंगे, एक्सपीरियंस के अलग होंगे, स्पाउस के अलग होंगे, ठीक है। तो ये सारा का सारा काउंट होता है। उसके लिए मैं वीडियो के लास्ट में एक डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, लास्ट में उसका आपको डिटेल भी बता दूंगा कि कौन सा जो है वो स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट के लिए आप चेक कर सकते हैं, कैसे चेक कर सकते हैं, उसमें कौन कौन सी स्किल्स कैटेगरी होती हैं। तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा। अभी मैं आपके कमेंट्स लेना शुरू कर दूंगा, उसमें क्या है कि उसमें से आपके काफ़ी डाउट्स दूर हो जाएंगे, जो भी डाउट्स होते हैं आपके। तो मैं आपको बताता हूँ, अभी हमारे पास बहुत कमेंट्स आते हैं बट सबका जवाब देना मुश्किल हो जाता है। आप भी समझते होंगे कि मोर देन 1,000, 2,000, 3,000 कॉल्स पर डे आती हैं, ठीक है, और इतने ही या इससे ज़्यादा कमेंट्स पर डे आते हैं। तो मिस्टर शुभम शर्मा है, यू डोंट स्केयर टू एक्सपोज देम ऑन कैमरा डूइंग करेजस जॉब, कीप इट अप, थैंक्स ब्रदर, यू आर राइट। ये है करमजीत सिंह। एंड आसिफ अंसारी, आई वॉज थिंकिंग ऑफ गोइंग टू कैनेडा टू बट ड्यू टू सम गुड यूट्यूबर लाइक यू आई ओपन माई आइज़, कीप इट अप। सबसे पहले आप सबको थैंक्स, शुभम शर्मा, करमजीत सिंह, आसिफ अंसारी, क्योंकि आप जैसे जो लोग सपोर्ट करते हैं, एनकरेज करते हैं, उससे हमें और हौसला मिलता है कि हम लोगों के लिए कुछ करें। नहीं तो आज के टाइम में जिनका जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, बहुत एजेंट्स ऐसे हैं जिनका कि धंधा बंद हो रहा है, ठीक है, और लोगों का अवेयरनेस फैल रही है, तो वो लोग जो है वो गलत गलत कमेंट्स करते हैं, गलत गलत जो है कंपनी के बारे में लिखते हैं, गलत गलत जो है वो रिव्यूज़ देते हैं। बट आप जैसे जो हमारे पास सब्सक्राइबर्स हैं वो हमें एनकरेज करते हैं, तो आप सबका बहुत बहुत थैंक्स। अभी मैं जो है सारे के सारे कमेंट्स वन बाय वन करके पढ़ूंगा। मिस्टर विकास कोठारी हैं, आई विश टू नो द यूरोपियन कंट्री फॉर प्रोफेशनल लाइक टीचर्स टाइप ऑफ वीज़ा। अभी एक और टाइप का फ्रॉड जो होना शुरू हो गया है, जैसे हमारे यूट्यूब चैनल है, हमारे यूट्यूब चैनल पे लोगों को पता है, काफ़ी लोग जो है वो भरोसा करते हैं, तो हमारे नाम से ही जो है लोग और कमेंट करते हैं, मींस वो अपना नंबर डाल देते हैं कि आई कैन हेल्प यू। वैसे ही स्क्रीनशॉट पे आप देखिएगा, एक वीज़ा हब करके कोई है, वो कहता है आई कैन हेल्प यू, ठीक है। तो मोहम्मद ताकिर कहते हैं सेम केस, हाउ टू कॉन्टेक्ट यू। तो वो जो वीज़ा हब है वो मीन्स डायरेक्टली कॉन्टेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हमारा कमेंट जो आएगा सिर्फ और सिर्फ हमारा ओशन इंटरनेशनल एजुकेशन कंसल्टेंट और उसके लोगों के थ्रू आएगा, जो हमारे चैनल का नाम है। इसके अलावा कोई भी कमेंट आता है, कोई भी नंबर आपका लेके आपको कॉल करता है, ठीक है, हमारे नंबर्स भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसके अलावा कोई नंबर से कॉल आता है तो समझ जाइए वो हमारा नंबर नहीं है, वो बिल्कुल फेक हो सकता है, फ्रॉड हो सकता है, आपसे पैसे ले लेगा, हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है उसमें, ठीक है। इसके बाद है सर, थैंक्स, वेरी गुड इन्फॉर्मेशन, माय हस्बैंड ऑलरेडी पेड 30,000 एंड नाउ दे आर नॉट रिस्पॉन्डिंग बट नाउ वी नो ऑल द चीटर्स एंड थैंक यू सर फॉर हेल्प एंड गाइडेंस। देखो हमारा मोटिव यही रहता है कि हम जल्दी से जल्दी आपको आपके पास इन्फॉर्मेशन शेयर करें, नॉलेज आपको दें, ताकि किसी के साथ फ्रॉड ना हो सके। बट जिसके साथ हो जाता है फिर हमें भी बुरा लगता है, बट
ये अच्छा हुआ कि आपका 30,000 तक ही आप जो है सीमित रह गए, नहीं तो अदरवाइज 6 लाख, 5 लाख, 10 लाख का भी लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है, वो मैं आगे आपको दिखाऊंगा। इसके बाद है राजेश ठाकुर, आई एग्री विद यू, आई ऑलरेडी लॉस्ट 20,000 रुपीज़ इन 2012। ठीक है, तो इसके बाद मिस्टर राजेश के वहाँ पे मिस्टर हसन पूछ रहे हैं कि आप बताएंगे कैसे आपने मनी जो है वो लॉस हुआ आपका। तो उन्होंने बताया कि पहले उन्होंने ऑफ़र लेटर दिया, ऑफ़र लेटर पे उन्होंने जॉब वगैरह मेंशन किया, फिर मेडिकल चार्जेस के नाम पे 8,000 रुपये लिया। ठीक है, उसके बाद एग्रीमेंट के नाम पे 10,000 रुपये लिया। ठीक है, और कहा कि बाकी जो पैसे हैं वो सैलरी में से डिडक्ट हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जब वो उनके ऑफिस में कॉल कर रहे हैं तो कोई कॉल पिक नहीं कर रहा है। ठीक है, जब वो ऑफ़िस में गए तो ऑफ़िस ही क्लोज़ हो गया था। तो आप सोच सकते हैं कि किस टाइप का जो है वो फ्रॉड चला हुआ है। आजकल पैसा इकट्ठा करो लोगों का, उसके बाद उनको अच्छे अच्छे सपने दिखाओ, जब 2-3 महीने के टाइम के बाद वो वहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद है दिल्ली शंकी भाई, ये जो पेपर में आता है सब झूठ है, ये लोग मासूम लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। बिल्कुल सही बात है, जो बहुत अच्छे अच्छे हसीन सपने दिखाते हैं वो सब के सब फ्रॉड होते हैं। इसके बाद है थैंक यू सर, मिस्टर आर्य सिंह, थैंक यू सर इन्फॉर्म करने के लिए, आपने वीडियो बना के बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बेरोजगार लोगों के पैसे वेस्ट होने से बचा रहे हैं, एंड आई होप आपका चैनल तरक्की करे। थैंक यू वेरी मच फॉर राणा हैरी, थैंक यू सो मच फॉर द एडवाइस, लेकिन जाएँ कैसे जॉब के लिए कोई कंट्री पे डिटेल में बताइए। देखो, डिटेल में बताने का ऐसा है कि जो जिसके पास जो स्किल है, स्किल के हिसाब से अपनी कंट्री चूज़ करो, अपने बजट के हिसाब से कंट्री चूज़ करो। जैसे मेरे हिसाब से जो वर्क परमिट्स कहाँ के होते हैं, अगर आपके पास अच्छी हाईली स्किल्ड हो, आईटी इंजीनियर हो, ठीक है, आपने मास्टर डिग्री की हुई है, आईएलटीएस अच्छा स्कोर आप ले सकते हो, तो आपके लिए तो कनाडा भी ओपन है। ठीक है, अगर आप एक नॉर्मल 10th 12th पास आउट हो या नॉर्मल ग्रेजुएट हो, इंग्लिश ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो इस कनाडा का होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। आप मलेशिया अप्लाई कर सकते हैं, सिंगापुर अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप गल्फ कंट्रीज़ अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इस लेवल की कंट्रीज़ आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद है मिस्टर शेख ओशन भाई, बिल्कुल आपने सही बात कनाडा के वीज़ा के बारे में, हमने भी धोखा खाया है। लुधियाना में एक ऑफिस ने तकरीबन 30,000 डूब गया है और ऑफिस भी गुम हो गया है। तो आप सोच सकते हैं कि लोग आजकल क्या कर रहे हैं, पैसे इकट्ठा कर रहे हैं, 2-4 महीने अच्छे अच्छे सपने दिखाते हैं लोगों को। अब आप खुद सोच लीजिए, 1 महीने में अगर कनाडा की ऐड को देता है रेगुलर, ठीक है, तो उसके पास हज़ारों के हिसाब से पर्सन आना शुरू हो जाते हैं। तो अगर वो 1,000 पर्सन से 30,000 रुपये इकट्ठा कर लेगा तो आप सोच सकते हैं 3 करोड़, 30 करोड़, कुछ भी हो सकता है। इसके बाद हैं थैंक यू वेरी मच सर, मिस्टर असद खान कह रहे हैं, लेकिन मेरे फ्रेंड ने कनाडा के लिए 45,000 दे दिए हैं और उसका ऑफ़र लेटर जब मैंने देखा तो सब फेक था, मैंने उसको समझाया बट वो नहीं समझा। देखिए, समझाते हम भी हैं, मैं यूट्यूब के थ्रू बहुत लोगों को एडवाइस देता हूँ, बट लोग नहीं समझते हैं, सोचते हैं कि हम उनको जानबूझ के जो है वो उनको मिसगाइड कर रहे हैं या उनका मोरल डाउन कर रहे हैं, बट हमारा ऐसा मोटिव नहीं है। हमारा मोटिव है कि लोगों का पैसा बच सके। आसिफ अंसारी, मेरे साथ भी स्कैम हुआ है मलेशिया के नाम पे 1.5 लाख। आप सोच सकते हैं कि मलेशिया के नाम पे भी 1.5-1.5 लाख का जो स्कैम हो रहा है, टूरिस्ट पे भेज देते हैं। तो पहले सब कुछ देखिए कि हाँ उसका ऑफिस है, कितने टाइम से चल रहा है, पहले पता करिए, कंफर्म करिए। मलेशिया का वर्क परमिट होता है, नो डाउट, ठीक है, बट चेक करिए पहले कि आपको जो वीज़ा दे रहा है वो वर्क परमिट है या टूरिस्ट वीज़ा है। टूरिस्ट वीज़ा पे काम करने के लिए कभी भी किसी भी देश में मत जाएं, नहीं तो आप हमेशा प्रॉब्लम में ही रहेंगे। इसके बाद है मैंने अशरफ पठान, सर मैंने पोलैंड के लिए 50,000 रुपये दिया था, बोला 3 महीने का के में वीज़ा आ जाएगा, पर अभी तक वीज़ा नहीं आया है, उसका ऑफिस में गया, पर क्या करूं। तो देखिए, आप उनसे बात करिए, क्लियर करिए कि हाँ अगर उनका ऑफिस है कि क्यों वीज़ा नहीं आ रहा है, क्या प्रॉब्लम है। पोलैंड का वीज़ा भी होता है डी कैटेगरी का, बट वो मीन्स रेयर होता है, तो ऐसा नहीं होगा, हो सकता है, बट आप उनसे चेक करिए कि रीज़न क्या है, किस वजह से जो है वीज़ा नहीं आ रहा है। ये आपको ऑफिस वाले ही बेहतर बता सकेंगे। अगर वो आनाकानी कर रहे हैं तो उनको कहिए आप हमारे पैसे और आप हमारे डॉक्यूमेंट्स वापस कर दीजिए। इसके बाद हैं संजीव कुमार, सर मैं अभी दुबई में हूँ, मेरे साथ धोखा हुआ है, अमृतसर में कोई फ्रॉड था, सिंगापुर के नाम पे ऐड दी थी, उन लोगों ने मेडिकल के नाम पे पैसे और उधर से भाग गए। देखो, ये बहुत होता है, जो लोग बाहर काम कर रहे हैं
वो ऐड देख के, ऑनलाइन ऐड देख के या न्यूज़पेपर में ऐड देख के वहाँ से बाहर से पैसे भेज देते हैं, या फिर यहाँ पे आप मेडिकल करवा रहे हैं तो मेडिकल करवाते हैं 8-10 हज़ार रुपये ले लेते हैं, हज़ारों के हिसाब से मेडिकल करवाने के बाद जो है अपना ऑफिस क्लोज करके भाग जाते हैं, जो कि इन चीटर्स के लिए बहुत ईजी हो जाता है पैसे अर्न करना। आप उनको कुछ क्लेम भी नहीं कर सकते क्योंकि वो कहते हैं कि मेडिकल तो आपने हमारे पास नहीं कराया है, वो मेडिकल सेंटर वाले के पैसे थे, आपने हमें क्या दिया। बट ये सारी मिली भगत होती है, मेडिकल सेंटर वाला भी उनके जाने पहचानने वाला होता है, अगर 10 हज़ार ले रहे हैं तो मेडिकल वाला तो 1000 रुपये ही लेगा। मोहम्मद आर्यन है, सर एक्चुअली मुझे एक काम मिला है कनाडा में, मेरा एक फ्रेंड है कनाडा में, मेरे लिए हेल्पर का एक वीज़ा अरेंजमेंट किया है। देखो आर्यन जी, अगर आपको लगता है कि आपका वो जो फ्रेंड है वो ट्रस्टेड पर्सन है तो बिल्कुल आप अप्लाई करिए, ठीक है। बट वो आप अपने रिस्क पे अप्लाई करिए क्योंकि इतना ईजी नहीं होता है, पहले वहाँ पे लोकल न्यूज़पेपर में एडवर्टीज़मेंट देनी पड़ती है लोकल्स को हायर करने की, उसके बाद 3 महीने के बाद जो है अगर वहाँ पे लोकल पर्सन नहीं मिलता है तब जाके आप जो है फॉरेन से, अब्रॉड से जो है वर्कर बुला सकते हैं, जैसे इंडिया से या कहीं से। तो ये चीज़ आप देख लीजिए कि आपके पास ये सारा कुछ डॉक्यूमेंटेशन वहाँ पर है या नहीं है। रहमत अली है, मैंने आपका ये फुल वीडियो देखा, मैंने भी कनाडा जॉब के लिए अप्लाई किया था, वो मुझसे 35 हज़ार मांग रहा था और बोल रहा था 2 लाख का पैकेज है आपको जॉब में लगाने के बाद 2 लाख मंथली में से जाएगा। मैं आपका ये वीडियो देखा तो समझ में आ गया। देखो यही होता है, कुछ पैसा यहाँ पर लेना है और कुछ पैसा कहते हैं कि वहाँ पहुँच के आप सैलरी में से कटवा दीजिए, ऐसा कभी भी नहीं होता है। अगर कोई ऐसा ऑप्शन दे रहा है इट मीन्स दैट इज़ 110% फ्रॉड है। ये इसके ऊपर मैं वीडियो पहले भी बना चुका हूँ तो आप पुरानी वीडियोस भी देख सकते हैं, बट ये वीडियोस नए जो है एप्लीकेंट्स के लिए हैं। इसके बाद हैं सर, आजकल वर्क परमिट के अलावा और भी फ्रॉड हो रहे हैं लाइक स्कूलिंग वीज़ा, मैंने 1 लाख गवाए हैं और कंपनी भाग गई और ये फेज़ 11 मोहाली की थी, ब्लू इमिग्रेशन के नाम से थी कंपनी। ये है मिस्टर लीजेंट्स गेमिंग 2। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि ऐसा नहीं है फ्रॉड सिर्फ वर्क परमिट्स के नाम पर होता है, किसी के भी नाम पर, टूरिस्ट वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा, ठीक है, और स्कूलिंग वीज़ा, किसी के नाम पे भी फ्रॉड हो सकता है, पॉसिबल है आज के टाइम में। जतिन कुमार है, मैंने पिछले साल पेपर में पढ़कर एजेंट के पास गया, मुझे मेडिकल और फाइल चार्ज के नाम पे 10 हज़ार ले लिया, दोबारा कुछ रिप्लाई नहीं दिया, 3 महीने बाद उनका ऑफिस गायब हो गया। ये एक नॉर्मल सी बात है, मैंने आपको कहा है कि वो पैसा इकट्ठा करते हैं उसके बाद भाग जाते हैं, दूसरी जगह ऑफिस ओपन कर लेंगे दूसरे नाम से, ठीक है, और जो ऑनर होता है वो कभी सामने नहीं आता है, वो जो है वो स्टाफ रखता है, स्टाफ चेंज करता रहता है, उसको पता है कि 3-4 महीने में यहाँ से 1-2 करोड़ रुपए इकट्ठा करके दूसरी जगह चला जाऊँगा, वहाँ पे नया स्टाफ रहूँगा, फिर से पैसा इकट्ठा करके फिर से मैं नया ऑफिस खोलूँगा। ये उनकी ये गेम्स बनाई होती हैं, वो चलता रहता है उनका। इसके बाद है मिस्टर जीत राज, सर मैंने जनवरी 2019 में 85 हज़ार बड़ौदा गुजरात के ऑफिस में दिया था, काम नहीं हुआ, अब बोल रहा है कि दुबई चले जाओ, फिर आपको दुबई से पोलैंड भेज देंगे, क्या ये सही है? देखिए सर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, वाया वाया वाले काम मत करिए। कोई कहता है मैं दुबई से पोलैंड भेज दूंगा, कोई कहता है मैं मैक्सिको से यूएसए भेज दूंगा, ये सारे के सारे फ्रॉड और गलत तरीके हैं। आपने देखा होगा कि यूएसए जाते हुए कितने लोग जो हैं जंगलों में जो हैं वहाँ पे मर जाते हैं, वैसे ही दुबई से अगर आप यूरोप में जाने की कोशिश करेंगे तो कुछ भी गलत हो सकता है। इससे बेटर यह है कि आप जाना है डायरेक्टली इंडिया से जाइए, अदरवाइज मत जाइए, इंडिया बहुत अच्छा है। फैन भोलेनाथ के, सर मेरे साथ भी फ्रॉड हुआ है, मलेशिया के नाम पर 2 लाख का वर्क परमिट बोल के टूरिस्ट वीज़ा पर भेज दिया था। बिल्कुल सही बात है, बहुत ज़्यादा जो है लोग ऐसे भेजते हैं, एजेंट्स भेजते हैं, बट मैं फिर भी लोगों को बहुत टाइम से, पिछले 3-4 साल से लगातार अवेयर कर रहा हूँ कि मलेशिया में टूरिस्ट वीज़ा पे मत जाइए, किसी भी कंट्री में मत जाइए, जो काम करने जाना है तो टूरिस्ट लेके मत जाइए, वर्क परमिट पे जाइए अगर मिलता है तो। इसके बाद है गोविंद, मुस्लिम पंजाब कंसर्नड आर लिविंग ऑन फ्रॉड ओपनली, इवन द लॉ आल्सो डजंट टेक केयर ऑफ इश्यूज, माय क्वेश्चन इज दैट व्हाई इट इज़ रनिंग एंड हाउ व्हाई पंजाब गवर्नमेंट इज़ नॉट टेकिंग एक्शन अगेंस्ट फ्रॉड। एक्चुअली होता क्या है कि ये जो पंजाब गवर्नमेंट तक तो ये बात नहीं पहुंच पाती है, ये लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में सब कुछ पैसा देकर जो सब कुछ चलता है। हरिंद्र कुमार, रियली यू आर प्रोवाइडिंग जेन्युइन इन्फॉर्मेशन, हेल्प लॉट्स ऑफ पीपल, मोस्ट ऑफ द फ्रॉड आर हैपनिंग इन द मोहाली एंड चंडीगढ़ फॉर कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, गवर्नमेंट शुड टेक एक्शन अगेंस्ट द फ्रॉड कंपनीज। बिल्कुल एक्शन लेना चाहिए फ्रॉड कंपनीज के अगेंस्ट, बट नहीं लेते हैं क्योंकि पैसे में बहुत पावर है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ पंजाब और मोहाली या चंडीगढ़ में हो रहा है, ये पूरे इंडिया में हो रहा है, हर जगह होता है, ठीक है, ऐसा नहीं है दिल्ली में नहीं हो रहा, ऐसा नहीं है बॉम्बे में नहीं हो रहा, हर जगह होता है। इसके बाद है
मिस्टर भुवन बाल, सर मेरा 4,40,000 रुपये डूब गया सिंगापुर डुप्लीकेट आईपी लेके। सिंगापुर में जो है इन प्रिंसिपल अप्रूवल होता है, इसको आईपीए कहते हैं, उसके नाम पे इन्होंने अप्लाई किया होगा और इनका जो 4,40,000 फेक आईपीए इनको दे दिया गया था, उसके बाद इनका 4,50,000 रुपये डूब गया। तो ये भी चीज़ आप ध्यान रखिए, फ्रॉड होना है वो किसी भी कंट्री के नाम पर हो सकता है। इसके बाद मिस्टर वनीत भाटिया, सर मेरे साथ भी फ्रॉड हुआ है। फगवाड़ा में श्री गुरु मैनेजमेंट सर्विसेज ऑफिस वाले ने मुझे साइप्रस का फेक वीज़ा देकर 75,000 लूट लिया। आफ्टर पुलिस कंप्लेंट एजेंट रन अवे। साइप्रस के नाम पे भी हो सकता है, किसी के नाम पे भी ये जो है फ्रॉड हो सकता है, तो सोचिए समझिए, ये आपकी हेल्प के लिए ये वीडियो बनाई गई है। अगर मैं ये वीडियो पहले देखता तो 6.5 लाख बचा लेता। मेरे साथ कैनेडा के नाम पर फ्रॉड हुआ था। ये है मिस्टर अमन शर्मा। आप सोच सकते हैं कि एक पर्सन से 6.5 लाख रुपए का फ्रॉड हुआ है तो लोगों के साथ कितना ज़्यादा फ्रॉड होता होगा। तो दोस्तों, ये कुछ आपके वैल्यूएबल कमेंट्स थे जिनका मैंने आंसर दिया है। और आपको मैं बताता हूँ, आप गूगल पे सर्च करिए कैसे आप फाइंड कर सकते हैं जॉब्स, आपको कैसे पता चलेगा आपकी स्किल, आप में जो स्किल है वो एलिजिबल है जो है PNP प्रोग्राम के लिए, मीन्स डायरेक्ट PR अप्लाई करने के लिए या नहीं है। ठीक है, तो आप किसी भी कंट्री का जो कर सकते हैं, जैसे सपोज़ आपने गूगल पे सर्च करना है स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट कैनेडा, तो वहाँ पे कैनेडा की स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट आ जाएगी। उसमें आप अपना चेक करिए कि आपकी स्किल आती है। सपोज़ इलेक्ट्रीशियन है तो आप इलेक्ट्रीशियन वहाँ पे लिखिए, वहाँ पे सारा को डिटेल्स आ जाएगी कि हाँ वो है या नहीं है। ठीक है, या पूरी लिस्ट आ जाती है वहाँ पे। आप अपना कोई भी जो भी आपका, सपोज़ आप IT इंजीनियर हैं तो IT इंजीनियर वहाँ पे लिखिए, हार्डवेयर नेटवर्किंग लिखिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर लिखिए। ठीक है, वो सारी डिटेल्स वहाँ पे आ जाती है। उसके बाद आपको IELTS करनी पड़ती है, IELTS में अच्छा स्कोर लेना पड़ता है, तब जाके आपकी एलिजिबिलिटी बनती है। एजुकेशन एक्सपीरियंस, IELTS, ये सारा मिला के जो है वो पॉइंट्स मिलते हैं, तब जाके आपकी एलिजिबिलिटी बनती है। ठीक है, इसके अलावा एक वेबसाइट है जॉब बैंक करके, ठीक है, jobbank.ca, वो कैनेडियन वेबसाइट है, उस पर भी आप रेगुलर सर्च आउट कर सकते हैं। बट उसमें आपको ये होता है कि आपको रेगुलर करना पड़ता है, 1, 2, 4 को करके नहीं, आप 10, 12, 15, 20 जितने भी जो है आपको मिलती है उसको रेगुलर करते जाइए। उसमें अपना CV फॉरवर्ड कर दीजिए, कॉन्टेक्ट कीजिए उनसे, तो उसमें भी चांसेस होते हैं। तो आज के लिए इतना ही, होपफुली ये वीडियो आपके लिए सूटेबल रहेगा। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और ये वीडियो शेयर करिए ताकि आपके साथ अगर कभी फ्रॉड हुआ है तो किसी और के साथ ना हो। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।